मेरी वीडियोस को बेहतर क्वालिटी में देखने के लिए इस बटन को क्लिक करें, क्वालिटी के बटन को क्लिक करें और डिजायर्ड क्वालिटी जो है उसे सेट कर लें। अगर आप पीसी से यूज़ कर रहे हैं तो सेटिंग्स में जाएं, क्वालिटी को क्लिक करें और एचडी क्वालिटी जो है उस पर व्यू करें। सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू नान खताई। तो नान खताई पे आज बनने जा रहा है शीर खोरमा। बहुत इजी और यमी रेसिपी है, ईच स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर बनाएं और बताएं कि कैसा बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाना कैसे। जी तो इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, उसमें सबसे पहले मिल्क चाहिए आपको 1 लीटर के करीब। इसके अलावा ग्रीन कार्डियम यानी कि सब्ज़ इलायची चाहिए 4 से 5 दस। पिस्टैचियो जो है पिस्ता 1 टेबल स्पून मैंने लिया है स्लाइस। राइजन्स लिए हैं 1 टेबल स्पून। कोकोनट्स लिया है स्लाइस 1 टेबल स्पून। और शुआरे यानी कि ड्राई डेट्स लिए हैं मैंने 5 से 6 दस, इनको स्लाइस कर लिया है। ऑयल जाएगा हसब ज़रूरत। सवैयाँ जाएंगी आपके पास तकरीबन 1 कप। 1 कप आपके पास शुगर जाएगी। और अशरफ़ी मुरब्बा जो है यानी कि अशरफियाँ जो हैं वो मैंने ली हैं थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल की कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले। तो सबसे पहले ऑयल के अंदर हम लोग फ्राई करेंगे जितने भी नट्स हैं उनको डाल के। तो मैं ये डाल दूँ इस बारे कोकोनट चैक्की और राइजेस भी डाल देंगे इसके अंदर। इसको थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे फिर हम इसे निकाल लेंगे। अब इसको निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स तो हम लोगों ने निकाल लिए है, अब जो है बाकी का ऑयल उसके हम अंदर जो है हम लोग सवैयाँ फ्राई करेंगे। 1 कप मैंने सवैयाँ ली हैं, इसको इसके अंदर डाल देंगे, इसे फ्राई कर देंगे। जैसे थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन हो जाएंगी, आपने बिल्कुल ब्लैक नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा अपना कलर चेंज करेंगी तो हम इसे निकाल देंगे। ब्राउन करनी है अब हम इसे निकाल लेंगे। अच्छा जी, तो सवैयाँ हम लोगों ने निकाल ली थी, उसी देगची में जो है हम लोगों ने दूध डाल दिया, इसे बॉयल होने के लिए रख दिया। अब हम इसके अंदर जो है शुगर ऐड करेंगे।
इस तरह से शुगर ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। साथ ही अपने ये जो फ्राइड नट्स हैं ये भी हम लोग ऐड कर देंगे इसके अंदर, ताकि अच्छे से इसके अंदर दूध के अंदर पक जाए। तो बस इलायची डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा जो है ये बॉयल पे है, तो अब हम क्या करेंगे, आँच थोड़ी सी धीमी कर देंगे और इसके अंदर जो फ्राइड सवैयाँ हैं हमारी वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। और तब तक पकाएंगे जब तक ये सवैयाँ जो है ये फूल जाए दूध के अंदर। 10 से 12 मिनट इसे लो फ्लेम पे पकाने की, अच्छे से पक जाए। जब इस तरह से ये थिक हो जाएगा तो हम लोगों ने इसे निकाल लेंगे। अच्छे जी, तो इसे डिश आउट करने के बाद इसे हम लोगों ने गार्निश किया है अशरफी मुरब्बा दाद से। ऊपर हम लोगों ने स्लाइस कोकोनट भी डाल दिया और थोड़ा सा ग्रेट भी कर दिया। मज़ेदार शीर खुरमा हमारा रेडी है, ज़रूर बनाएं और बताएं कि कैसा बना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस आइकन पर क्लिक करके आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।